जी हमको मनाली लेके चलिए ना। पागल हो, यहाँ लॉकडाउन में मेरा फटा हुआ, तुमको घूमना सूझ रहा है? सच में? रुकिए। हेलो, हाँ रिंकू टेलर। अच्छा सुनिए ना भैया, मेरा पति का फट गया है, हम उनको भेज रहे, थोड़ा सिल दीजिएगा तो। अच्छा क्या फटा है जी, शर्ट या पैंट? ओ लगता है पैंट फट गया है। हाँ हाँ भैया हमको मनाली जाना है, हाँ जल्दी से कर दीजिएगा, अब मनाली लेके चलिए गौना जी, बोलिए ना। पागल हो? अरे वाह मेरा पार्सल आ गया। ये क्या बेकार की खर्च करते रहती हो, जब देखो ऑनलाइन ऑर्डर करते रहती हो। आप खर्च नहीं करते हैं क्या? मैंने क्या किया? आई जो आईएलसी पॉलिसी प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम में जो पैसा खर्चा करते रहते हैं, भरते रहते हैं। आज अभी कोरोना काल में मरने का टाइम आया है तो कायर जैसा घर में घुस के बैठल है। हाँ ये बेकार सब आदमी एकदम। जानती हो घर में ना अपने मन का एक रोमांटिक सॉन्ग सुनने पर भी आफत है। क्यों? और मेरी बहन लोग को ना डाउट होने लगता है कि कहीं हमको फिर से प्यार नहीं हो गया। लेकिन उन लोग का डाउट गलत भी नहीं होता, हो तो गया। हम मुझे प्यार हुआ, प्यार हुआ, हम मुझे प्यार। कोरोना एकदम भरी जवानी में एंट्री मारे हो, अरे 5 साल 10 साल बाद ही आते तो क्या होता। पहले मेरे को बॉयफ्रेंड बना के मनाली मालदीव्स गोवा ट्रिप मारने देते, मुझे गोवा में छोटे छोटे कपड़े पहन के वीडियो बनाना था मेरे बॉयफ्रेंड के साथ लैला मजनू जैसा, वो करने देते, शादी करके 2-4 बच्चे करने देते, फिर आते। लेकिन नहीं, एकदम करंट जवानी में एंट्री मारे हो साले। अरे जवानी मेरा जिंदगी सब वेस्ट कर दिया, हम अपने आने वाले बच्चे को क्या जवाब देंगे कि तुम्हारे लिए एक डंका बाप नहीं पटा सके। बाजार में घूमती हुई महिलाओं से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि साड़ी का पल्लू सा चेहरा ना ढके, मास्क का उपयोग करे, कहे कि वायरस और वायरस आपका सास ससुर नहीं है, और सास ससुर तो डसता तो लोग बच भी जाता है, लेकिन ये वायरस डसेगा ना तो सीधा ऊपर आ जाओगे, इसलिए स्टाइल कम मारिए, हीरोइन कम बनिए, मास्क लगाइए।